मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरपरक्षक विजय यादव सांपों को बचा रहे हैं जीवन। दुर्लभ सांप गुंथर रेसर सहित 6 कुंगड़ा सांपों को किया रेस्क्यू। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरपरक्षक विजय यादव अजमेर में सांपों का जीवन तो बचा ही रहे हैं, साथ ही आमजन को भी सांपों के अनावश्यक भय से मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सरपरक्षक यादव ने प्रतापनगर लोहाखान निवासी इंदु शर्मा के घर में घुसे एक दुर्लभ और सुंदर सांप गुंथर रेसर को रेस्क्यू किया। यह सांप बहुत कम देखने को मिलता है। यह विशीन सांप तो है ही, साथ ही किसी को काटता भी नहीं। इसी के साथ सरपरक्षक यादव ने पंचशील निवासी ऋत्विक तोलंबिया के घर में घुसे एक 6 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा, रेलवे स्टाफ क्वार्टर निवासी धन सिंह के घर में घुसे एक 5 फीट के कोबरा, श्याम वाटिका एचएमटी के पीछे रहने वाले राकेश के घर से एक कोबरा, कबीरनगर लोहागल निवासी गिरधारी गौड़ के घर से एक 5 फीट के कोबरा, छतरी योजना आतेर निवासी रौनक शर्मा के घर में घुसे एक 5 फीट के कोबरा और कल्याणीपुरा निवासी शिवराज के घर में घुसे 5 फीट के कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। स्थानीय वार्ड नंबर 53 के पार्षद कुशाल कोमल ने सरपरक्षक विजय यादव का रेस्क्यू करने के लिए आभार जताया। सरपरक्षक ने सभी सांपों को सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। देखिए, कुछ समय पहले मेरे पास में शिवराज जी परसोया का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे इस चीज़ से अवगत कराया कि उनके जो किराया है मकान है, उन्होंने किराए पे दे रखा है और उस घर में कोबरा सांप घुस गया है, जिसकी जानकारी पाते ही मैंने विजय यादव जी को तुरंत फ़ोन करा। तुरंत फ़ोन करने के 10 मिनट बाद विजय यादव जी तुरंत मौके पर पहुँचे और उन्होंने एक बड़ी कोबरा सांप को पकड़ा, जो कि बड़ा ही मतलब जहरीला एवं जानलेवा हो सकता था, जिससे घर में रहने वाले वासियों को दहशत में थे। और विजय यादव जी का मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिस तरीके से वो अजमेर शहरवासियों में जो कोबरा आदि इत्यादि सांप पकड़ने को जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज कोबरा को रेस्क्यू किया।